तो ये गाड़ी देखने से पहले भाई रख लीजिए अपने दिल पे हाथ, क्योंकि ये गाड़ी भाई हम लोग आपके लिए ले तो आए हैं, लेकिन अभी रेट जब मैंने सुने मैंने बोला चलो यार फिर भी आप लोगों को दिखाई दें। जो बंदा होता है ना जो बोलता है कि भाई गाड़ी ले लूं मुझे कुछ करवाना ना पड़े, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। 30 कर चुके हैं, 1998 GL इंडस करोला हम लोग के पास मौजूद है। तो हमारे इंडस 2012 का मॉडल हम लोग के पास मौजूद है। तो आप थोड़ा सा दिल थाम लीजिए, अब आप लोगों को इस गाड़ी के मैं रेट बताने वाला हूँ। अंकल जोरदार झटका आप खुद दे दीजिए। 97 का ये मॉडल है। तो जितने भी भाई थे हमारे जो बोल रहे थे पुराने थोड़े मॉडल्स की तरफ भी थोड़ा वैगन, 2015 का ये मॉडल है। 2017 की जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। जितने भी आजाद थे जिन्होंने बोला था कि भाई हमारी फैमिली बड़ी है और बड़ी गाड़ी है तो आप दिखा नहीं रहे हो, तो भाई देख लो चेकआउट कर लो, आप लोगों ने बड़ी गाड़ी जो है वो ले आया हूँ। 2015 का ये मॉडल है, बाकी गाड़ी जो है वो चेकआउट करो। एसएल भाई ये जो इंडस्ट्री के वो होते हैं ना लवर्स, बिल्कुल है क्योंकि ये पूरी ओरिजिनल है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है। विट्स वाले जो लोग थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई विट्स चाहिए, तो ये गाड़ी आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें। 2004 का मॉडल है, 2006 की गाड़ी की है। होंडा सिटी 2007 का मॉडल हम लोग के पास मौजूद है, DSi और चुआ सिटी के नाम से जो मशहूर है गाड़ी। तो यहाँ हो रही है भाई गाड़ियों की एंट्री, हर वीक जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो एंटर होती हैं। तो ये आप लोग चेक कर लें, तभी लाइन जो है वो लगी हुई है बिल्कुल पीछे तक, आप लोग चेक करें। सो वैगनार तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, अभी हम लोग के पास मौजूद है एक वैगन। 2015 का ये मॉडल है, 2017 की जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। तो एक भाई ने हमारी रिक्वेस्ट करी थी काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने बोला चलो यार आज ये गाड़ी मुझे नज़र आई है तो इसकी जो है वो रिव्यू करते हैं। तो देख लें गाड़ी आप लोग जो है वो चेकआउट करें, गाड़ी आप लोग के सामने है, फ्रंट वगैरह जो है वो गाड़ी का देख लें, दोनों लाइट्स वगैरह चेकआउट करें, गाड़ी की लाइट्स वगैरह क्लियर हैं, बम्पर्स वगैरह जो है वो देख लें, बोनट देख लें गाड़ी का। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गाड़ी की ड्राइविंग साइड की, तो ड्राइविंग साइड भी आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें, साइड वाइड है मैं आप लोग को जो है वो यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से भी गाड़ी को जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें, बाकी बैक साइड भी देखते हैं एक नज़र भाई बैक साइड किस तरीके से आप लोग को मिलती है। तो वो ये चेक कर लें, बैक साइड की दोनों लाइट्स वगैरह आप लोग देख लें, बम्पर्स देख लें, इसी तरीके से डिग्गी हो गई, और छत की अगर बात की जाए गाड़ी के रूफ़ की तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखा दूँ। तो ये भी आप लोग नज़दीक से जो है वो देख लें, बाकी एक नज़र जो है वो गाड़ी को पैसेंजर साइड से भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं बैक साइड से, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाए कि गाड़ी किस शेप में मौजूद है। तो यहाँ से आप लोग देखें गाड़ी साफ़ सुथरी है, बाकी ये कि अभी मज़ीद डिटेल्स वगैरह जो होंगी जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करेंगे तो आप लोग अच्छे से जो है वो बता देंगे। सो इसका इंटीरियर भी हम लोग जो है वो आपको दिखा देते हैं भाई, इंटीरियर किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिलता है। सो इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो होते हैं गाड़ी के दरवाजे, और जो गाड़ी के गत्ते होते हैं यानी कि डोर पैनल्स जो कहलाते हैं, वो आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें। यहाँ से साइडें वगैरह जो है वो एक नज़र देख लें, नीचे वाली साइडें देख लें। बाकी बात की जाए गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का क्लियर है। उसके अलावा एंड्रॉयड पैनल वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा बात करें अगर हम गाड़ी की सीट्स वगैरह की, तो सीट्स आप लोगों को गाड़ी की देखना साफ़ सुथरी जो है वो नज़र आ रही होंगी। बाकी इसी तरीके से नीचे की साइड वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो यहां से भी देखें फुटपाथियाँ वगैरह देखने गाड़ी की जो है वो क्लियर हैं। बैक साइड भी दिखा देते हैं गाड़ी की भाई, बैक साइड किस तरीके से, सो यहां से भी आप लोग चेकआउट कर लें, गैली साइडें देखें। बाकी इसी तरीके से जो है वो बैक साइड का डोर भी आप लोग देख लें। सो कम्प्लीटली गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, इंटीरियर वगैरह दिखा दिया, आप चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम भी देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से मौजूद है। सो इंजन रूम की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इंजन रूम से पहले आप लोग शो वगैरह जो है वो गाड़ी की देखने हैं, सामने से स्ट्रेट हो नज़र आ रही होगी आप लोगों को। बाकी इंजन रूम भी साफ़ रखा हुआ है इन्होंने, कुप्पो वगैरह की अगर बात की जाए तो वो मैं आप लोगों को नज़दीक से जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ, तो ये आप लोग चेकआउट कर लें। इसी तरीके से दूसरी साइड का जो कुप्पा होता है, यहाँ पर जो है वो पूरा जंक्शन लगा हुआ होता है, बैटरी वगैरह होती है, तो यहाँ से वो आप लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कि गाड़ी क्लियर है, अंदर से साफ़ सुथरी आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। अब चलते हैं जो ऑनर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, मालूम करते हैं भाई वो क्या डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाई तलहा भाई, जिनकी ये गाड़ी है। तलहा भाई आपकी गाड़ी तो जो है वो दिखा दी गई है, 2015-2017 की ये गाड़ी है, कैसी गाड़ी है सर ये? सर अच्छी गाड़ी है, एवरेज भी अच्छी देती है माशाल्लाह। ठीक है, एवरेज के बारे में बात करें, कितना एवरेज देती है? एवरेज ये 12-14 12-14 का एवरेज देती है। इंजन है ठीक है, और बॉडी के हवाले से अगर बॉडी फुल जेन्युइन है, पूरी जेन्युइन है, इसका ऊपर वाला बोनट का जो पीस है ना इस पे कलर किया हुआ है, बाकी सब जेन्युइन, बाकी पूरी जेन्युइन है, यानी कि पूरी जेन्युइन है, एक पीस जो है वो गाड़ी का टच अप है जी। ठीक है जी, बाकी चली भी कितना है ये गाड़ी अभी? 93,000 जी। तो 93 मींस 93,000 जो है ये गाड़ी चली हुई है। बाकी गाड़ी तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो में देख ही ली होगी, क्या आप इसकी डिमांड कर रहे हैं सर? मैं इसकी डिमांड फिलहाल मार्केट में आया हूँ, तो यहाँ मैंने 16-20 की हुई है, 16,20,000 रुपए। लेकिन अगर कोई सही लेने वाला बंदा आएगा तो उसके साथ में कर लूँगा, रेट अच्छे देगा, ऑफर अच्छी लगाएगा तो मैं उसको
ठीक है, 16,20,000 रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, बाकी निगोशिएट हो जाएगा गाड़ी के अंदर, जो भी कमी पेशी होगी वो भाई को आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कराची में देख कहाँ सकते हैं जनाब? ये मेट्रोविल साइड एरिया, मेट्रोविल साइड एरिया पर। अपना नंबर भी ऐड करें, 0302-0302-2989-8959-520-520। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह। तो भाई ये चेक करें, हमें चलते चलते मिला है कौन, शहजाद कुरैशी भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये आज आए हुए थे मार्केट में, तो इन्होंने बोला भाई एहसन भाई आप मिल गए, क्या बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। चले और कुछ कहना चाहेंगे आज की वीडियो में आप मौजूद हैं हमारी? भाई एहसन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ये बहुत मेहनत करते हैं। चले थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप वीडियो में ऐड हो गए आज हमारे, चले अल्लाह हाफिज। तो चलिए जी, ये हमारे सब्सक्राइबर थे, चलते चलते मिल गए, तो मेरे बोला चलो यार जब इतने सारे लोग हमारे सब्सक्राइबर हमें देखते हैं तो एक सब्सक्राइबर की मुलाकात बाकी सारों से भी करवा दी जाए। चले, होंडा सिटी 2007 का मॉडल हम लोग के पास मौजूद है, DSi और चुआ सिटी के नाम से जो मशहूर है गाड़ी, तो ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग चेकआउट करें। हमारे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इसके लिए जो है रिक्वेस्ट करते हैं और एवरेज वगैरह में भी काफ़ी अच्छी गाड़ी जो है होती है। गाड़ी जो है ये तकरीबन जेन्युइन है और एक पीस जो है वो गाड़ी का टचअप है, वो भी मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, जो ऑनर है उनसे बातचीत करेंगे तो अच्छे से जो है वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। सो ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें, साइडें वाइडें मैं आप लोगों को जो है वो गाड़ी की दिखा रहा हूँ। सो थोड़ा सा यहाँ चलने फिरने का भाई वो होता है स्पेस, तो आप लोग देख लिया करें, इधर उधर जो मैं होता हूँ ना तो उसकी वजूहत यही होती है कि मैं साइडों से बच के चल रहा होता हूँ। तो ये आप लोग चेक करें, पैसेंजर साइड आप लोगों को जो है वो गाड़ी की मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग गाड़ी को जो है वो देख लें। बाकी बैक साइड की अगर मैं बात करूँ, बैक साइड की लाइट्स वगैरह चेकआउट कर लें, लाइट्स वगैरह जो है वो दोनों गाड़ी की ओके आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बाकी भाई ने डिग्गी। सो भाई यहाँ से भी आप लोग अच्छे से जो है वो गाड़ी को चेकआउट कर लें। सो यारी साइडें भी मैं आप लोगों को जो है वो अच्छे से दिखा रहा हूँ, नीचे से साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देख लें। गाड़ी यहाँ से बिल्कुल क्लियर जो है इन्होंने रखी हुई है, कोई रस्ट वगैरह कोई चीज़ आप लोगों को ऐसी नज़र नहीं आ रही होगी गाड़ी में, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। यहाँ से भी इसी तरीके से चलते हैं, चल के जो है वो गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी हम लोग जो है वो चेकआउट करते हैं, इंटीरियर वगैरह गाड़ी का जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिल रहा है। सो ये आ गए भाई हम लोग इंटीरियर की तरफ, तो यहाँ से मैं आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर जो है वो चेकआउट करवाता हूँ। तो भाई आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी चक्कर में जो है ना वो कैमरा भी मेरा जो है वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ज़्यादा हीटअप हो जाए चीज़ें तो फिर मस्ता करती हैं। तो यहाँ से भी देखें आप लोग साइडें वगैरह देखें, बाकी नीचे की साइडें वगैरह देख लें, गाड़ी बिल्कुल क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ऊपर वाली साइड की अगर बात करूँ पिलर्स की, यहाँ से भी गाड़ी क्लियर है। बाकी हम लोग इसी तरीके से अगर गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करें, डैशबोर्ड गाड़ी का आप लोगों को क्लियर मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है। इसके अलावा सीट्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो सीट्स वगैरह भी जो है वो आप लोग एक नज़र देखें, यहाँ से आप लोगों को क्लियरली जो है वो नज़र आ रही होगी। नीचे मैट वगैरह जो है वो गाड़ी में डले हुए हैं। अच्छा, जो एक पीस पे जो बता रहे थे भाई टचअप हमारा, वो बता रहे थे ये वाला पीस है, यानी कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इन्होंने जो है वो शावर्ड करवाया, टचअप करवाया, बाकी गाड़ी जो है वो क्लियर बता रहे हैं। सो चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम जो है वो गाड़ी का किस तरीके से आप लोगों को मिलता है। सो ये आ गए भाई हम गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, तो इंजन रूम भी आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा देते हैं, भाई खोल रहे हैं। सो वैसे तो गाड़ी अब बिल्कुल साफ़ सुथरी अलग दिख रही थी, मैं जब इंटर हुआ था मार्केट में तब मैंने ये गाड़ी देखी थी। तो यहाँ पर हम लोग अब पहुँचे हैं, बाकी आप लोग देख लें फ्रंट से जो है शो वगैरह गाड़ी की जो है वो चेकआउट कर लें आप लोग। बाकी अगर इसी तरीके से हम बात करें गाड़ी के कुप्पों की, सो कुप्पे वगैरह भी यहाँ से जो है वो एक नज़र देखें, साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देखें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो देख लें। बाकी इसके अलावा दूसरी साइड का कुप्पा भी मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ। ड्राई बैटरी वगैरह गाड़ी के अंदर जो है डली भी है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अंदर जो है वो अलायरेंस डले हुए हैं, स्टार वाले जो अलायरेंस होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डले हुए नज़र आ रहे होंगे। टायर्स वगैरह की अगर बात करूँ तो डेली टिफिन लेके आप लोग चला सकते हैं, लेके चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चलाएँ। बस अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे मिलकर बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं वो गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। पर भाई जिनकी ये गाड़ी है, सर आपकी गाड़ी तो जो है वो तकरीबन दिखा दी है मैंने, बाकी डिटेल्स बताएं सर, गाड़ी कैसी है चलने में? गाड़ी चलने में बेहतरीन है, ठीक है, घर के यूज़ पे है, मतलब लॉन्ग सफ़र नहीं किया हमने कभी, ठीक है, यानी कि लॉन्ग सफर में चलाया 6 महीने के लिए, सिर्फ ये इस्लामाबाद भेजा था, ठीक है, वो मालजा वो लेके गया था, ठीक है, यहाँ से बुक करा दिया था, वहाँ उतार लिया, वहाँ चलाया उसने, ठीक है, तो चढ़ाई वढ़ाई वाला इलाका है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं काम इसके, ठीक है। अच्छा, यानी कि इंजन सस्पेंशन से हर चीज से ओके गाड़ी है। अच्छा, पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है, एक पीस टचअप है गाड़ी का, एक पीस टचअप है, और बंपर्स का बंपर्स काउंट नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई वीडियो में बता दूं आप लोग, वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं यार एहसन भाई बताया नहीं। अच्छा, पेपर्स की अगर बात करें गाड़ी के, पेपर्स क्लियर है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। ऑनर्स जो है वो 5-6 है, मेरे ख्याल 5-6 ऑनर है। और अभी चली हुई कितना है तकरीबन गाड़ी? 86,400 चली है।
ठीक है 86,400 जो है ये गाड़ी चली हुई है, और एवरेज वगैरह तकरीबन क्या देती है गाड़ी है? 14 के करीब देती है, 14 के करीब। और कितना सीसी? ये है 1300 सीसी 1.3। तो 1300 सीसी वाली जो है ये गाड़ी है, तो एवरेज जो है वो अच्छा देती है गाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से। तो ये डिटेल्स हैं गाड़ी की, क्या डिमांड कर रहे हैं सर आप गाड़ी की? 1650 की है, 1650,000 रुपये। तो 1650 जो है वो डिमांड है, बाकी निगोशिएट वगैरह जो होगी कमी पेशी जब भाई को कॉन्टेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, तो अच्छे से डील कर लेंगे। सर अपना नंबर 0300 221 3324 221 3324 24। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? ये गुलजार हिजरी का इलाका है, ठीक है, गुलजार हिजरी ब्लॉक 2। तो यहाँ आप लोग गाड़ी विजिट कर सकते हैं। चलें शुक्रिया। विट्स वाले जो लोग थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई विट्स चाहिए, तो ये गाड़ी आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें। 2004 का मॉडल है, 2006 की गाड़ी की जो है रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी जो है वो आप लोग के सामने मौजूद है। चलते हैं चल के एक इसका ओवरव्यू देखते हैं भाई गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो चेकआउट कर लें, फ्रंट से लाइट्स वगैरह गाड़ी की क्लियर आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होंगी, इसके अलावा बम्पर्स वगैरह गाड़ी के क्लियर हैं। बाकी हम लोग बात करें अगर गाड़ी की ड्राइविंग साइड की, तो ड्राइविंग साइड भी आप लोग यहाँ से जो है वो देखें एक नज़र, ड्राइविंग साइड भी जो है वो गाड़ी की आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है भाई, तो बस लगे में कोशिश कर रहे हैं कि अलग गर्म सर आप सुनाएं, तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई लगे में फटाफट जो है वो गाड़ियों की वीडियो जो है वो कम्प्लीट कर ली जाए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती आती है वैसे वैसे जो है वो मोबाइल हीटअप करता है और कैमरा हीटअप करता है। तो बैक साइड वगैरह भी गाड़ी की जो है वो आप लोग चेकआउट करें, यहाँ से क्लियर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी, बैक लाइट्स इन्होंने टिंट करवाई हुई है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ से पैसेंजर साइड की, तो पैसेंजर साइड भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखा दूँ, तो यहाँ से भी आप लोग गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली देखना है। बाकी रूफ़ वगैरह की अगर बात की जाए तो रूफ़ भी देखें, रूफ़ भी गाड़ी की जो है वो क्लियर है। दरवाजे वगैरह देख लेते हैं गाड़ी के, दरवाजे किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ से भी जो है वो एक नज़र आप लोग देखना है गाड़ी, यहाँ से भी क्लियर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी, नीचे की साइड वगैरह गाड़ी की जो है वो क्लियर है। बाकी इसी तरीके से डोर पैनल्स वगैरह देखने हैं, अंदर अच्छी सी स्मेल वगैरह फ्रेगनेंस जो है इन्होंने डाली भी है गाड़ी के अंदर, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा अंदर से भी रखा हुआ है गाड़ी को। तो यहाँ से आप लोग चेकआउट करें, डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों के सामने गाड़ी का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, LCD प्लेयर वगैरह जो है वो गाड़ी में लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसमिशन पे है। सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स भी जो है वो आप लोग एक नज़र गाड़ी की देखने हैं। सो ये तो हो गई इंटीरियर की, फ्रंट साइड की बात, बैक साइड से भी आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी। सो यहाँ से भी जो है वो आप लोग देखें, नीचे की साइडें वाइडें जो है वो चेकआउट करें, बाकी इसी तरीके से यहाँ से भी गाड़ी को जो है वो आप लोग देखने हैं। तो ओवरऑल जो है वो यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियर मिल रही है। चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। तो ये आ चुके हैं हम लोग इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम भी आप लोग चेकआउट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो है वो आप लोग फ्रंट की जो है वो साइड्स वगैरह जो है वो देखने, यानी कि शो जो कहलाती है गाड़ी की वो आप लोग चेकआउट कर लें। बाकी गाड़ी नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सो कुप्पे वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, कुप्पे वगैरह आप लोगों के सामने नीचे वाली साइडें देखें, इसी तरीके से दूसरी साइड वगैरह भी जो है वो आप लोग देख लें। सो कम्प्लीटली एक व्यू बस ये दिखाना होता है कि भाई इंजन रूम वगैरह किस कंडीशन में, अंदर से चीज़ें देखनी होती हैं कि ज़्यादा रस्ती तो ना हो। बस अब चलते हैं जो ऑनर हैं गाड़ी के, उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई गाड़ी की क्या रेट रखे हैं उन्होंने। तो समी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, समी भाई की जो है ये गाड़ी है। समी भाई गाड़ी तो आपकी जो है वो दिखा दी गई है, 2004-2006 का ये मॉडल है जी। कैसी गाड़ी है सर ये गाड़ी? में मसला कुछ भी नहीं है, काम वाम मैं सिर्फ इस वजह से बेच रहा हूँ, मेरा काम ही है ये गाड़ियों की सेल परचेज का। ठीक है, गाड़ी हर लिहाज से ओके, टायर वायर इंजन विंजन बॉडी वॉडी ठीक है, हर चीज़ से यानी कि ओके। ऊपर से शावर वगैरह कलर वगैरह आपने खुद करवाई है? शावर मैंने खुद करवाई है। ठीक है, तकरीबन कितना टाइम पहले? मैंने तकरीबन 6 महीने पहले गाड़ी पूरी तैयार करी थी। ठीक है, और इंजन आपने चेंज? तो इंजन आपने इसके अंदर 1300 सीसी जो डाला है, तो क्या एवरेज वगैरह करता था गाड़ी का? एवरेज है 12.5 का एवरेज है। ठीक है, 12.5 का एवरेज है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सारी चीज़ें कम्प्लीट है, टैक्स पेड है, फाइल से क्लियर है गाड़ी, सीपीएल से क्लियर है। कितने ऑनर है तकरीबन गाड़ी? सेकंड ऑनर है गाड़ी, सेकंड ऑनर ये गाड़ी है। तो सेकंड ऑनर ये गाड़ी है, बाकी तकरीबन डिटेल्स आप लोगों को बता दिए। सर क्या डिमांड कर रहे हैं आप गाड़ी की? 13.5 लाख रुपये। 13.5 लाख रुपये, तो 13.5 लाख रुपये डिमांड है। बाकी जो नेगोशिएट होगा कमी पेशी वगैरह होगी जब भाई को कॉन्टेक्ट करेंगे? ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, कमी होगी, थोड़ी बहुत होगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो भाई ने पहले ही वार्निंग दे दी है भाई थोड़ी बहुत ही होगी, कमी होगी। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दें। 0316 0316 20 20 3555 47 47। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम दे सकते हैं। और देख कहाँ सकते हैं ये गाड़ी? नॉर्थ कराची 11B। ठीक है, नॉर्थ कराची 11B में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलें शुक्रिया। तो आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे रिबर्थ वाले भाइयों कहाँ गायब हो, काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि भाई कोई गाड़ी दिखा दो अच्छी। सो ये कि भाई गाड़ी जो है ये पूरी ओरिजिनल है, 2015 का ये मॉडल है। बाकी गाड़ी जो है वो चेकआउट करो, चल के आप लोगों को गाड़ी जो है वो मैं दिखाऊं किस तरीके से आप लोगों को मिलती है।
सो ये साइड वगैरह देखें अंकल, इंजन रूम भी जो है वो दिखा रहे हैं। अच्छा अंकल, इंजन रूम आपका पहले दिखा देते हैं हम लोग। सो ये आ गए हैं भाई अंकल, इंजन रूम बोल रहे हैं, पहले जो है वो चेकआउट करना है आप लोग। तो ये आप लोग चेकआउट करें फ्रंट से जो है वो गाड़ी की, आप लोग शो वगैरह चेक करें। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी के कुप्पों की, तो यहाँ प्लास्टिक पीस लगे होते हैं, लेकिन ये कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि भाई कोई रस्सी वस्ती नहीं है, गाड़ी जो है वो यहाँ से साफ़ सुथरी है। इंजन वगैरह अपना है अंकल गाड़ी का, सारी चीज़ें तो 100% जो है वो इंजन है अंकल, गाड़ी बजा के भी जो है वो यहाँ से दिखा रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। चलें अंकल बंद कर दें, हम लोग बैक साइड वगैरह जो है वो गाड़ी की चेक करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात करूँ तो सारी सीट्स वगैरह अंदर जो है वो पूरी शॉपर ऊपर चढ़ी हुई, साफ़ सुथरी जो है वो गाड़ी इन्होंने रखी हुई है। तो ये आप लोग जो है वो गाड़ी की बैक साइड चेक करें, बैक साइड से गाड़ी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पूरी क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। बम्पर्स हो गई, डिग्गी हो गई, गाड़ी की दोनों लाइट्स हो गई, हर चीज़ जो है वो क्लियर है। बाकी इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग साइड की, यानी कि राइट हैंड साइड की, तो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, गाड़ी यहाँ से भी आप लोगों के सामने क्लियर आप लोगों को दिख रही होगी। रूफ़ वगैरह दिखा देते हैं गाड़ी की, तो भाई यहाँ से रूफ़ भी जो है वो चेकआउट करने हैं, रूफ़ वगैरह भी गाड़ी की जो है वो क्लियर है। दरवाजे वगैरह जो है वो चेक करते हैं किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिलते हैं। सो ये आप लोग चेकआउट करें, यहाँ से साइड वाइड हर चीज़ जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है, नीचे वाली साइडें बिल्कुल क्लियर हैं। बाकी बात करूँ गाड़ी के प्लर्स वगैरह की यहाँ से, तो ये भी आप लोग जो है वो एक नज़र देखें, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। बाकी फुटपाथियाँ वगैरह भी गाड़ी की क्लियर हैं, सीट्स वगैरह जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीट्स पर सारी शॉपर्स वगैरह जो है वो चढ़ी हुई, बिल्कुल साफ़ सुथरा अंदर से इन्होंने रखा हुआ है। डैशबोर्ड वगैरह की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एंड्रॉयड क्लियर वगैरह लगा हुआ गाड़ी के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह भी पूरा जो है वो गाड़ी का क्लियर है, यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए गाड़ी की, सो अंदर से भी इन्होंने जो है वो गाड़ी बिल्कुल क्लियर रखी हुई है। बैक साइड का डोर मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ, बैक साइड का डोर किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलता है। सो यहाँ से भी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें, नीचे की साइड है, और यहाँ से भी गाड़ी को जो है वो देख लें। सो ओवरऑल यानी कि गाड़ी ये क्लियर है। तो यहाँ से जब इतनी गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई दी है, तो गाड़ी की डिग्गी भी जो है वो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो ये आप लोग जो है वो चेकआउट करें, सारी साइडें वाइडें जो है वो एक नज़र आप लोग देख लें। बाकी नीचे वाली साइडों की अगर बात की जाए तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, टूल किट वगैरह आप लोग चेकआउट करें, सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई आप लोगों को इसके अंदर मिल रही हैं। तो अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे चल के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई उन्होंने गाड़ी की क्या डिमांड करी है और क्या पैसे जो है मांग रहे हैं। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अयूब अंकल, जिनकी ये गाड़ी है। सर आपकी गाड़ी तो जो है वो दिखा दी है, 2015 का ये मॉडल है, कैसी गाड़ी है ये? अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, वीआईपी गाड़ी, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, साफ शुगर है। 25 लाख रुपये का डिमांड है इसका मेरा, ठीक है, और गाड़ी थोक बाजार कर दीजिए, एक नंबर गाड़ी है, घर की गाड़ी, यानी कि ठोक बजा के जो है वो चेक करके लेंगे गाड़ी, बिल्कुल 100% ले, पूरी जेन्युइन है, 100% आप चेक करवा लीजिए। कितना सीसी है सर ये? 1.8 है ये, ठीक है, 1.8 जो है ये गाड़ी है। सो हर चीज से अंकल आपने गाड़ी जो है वो क्लियर बताई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो डिमांड क्या रखी है सर आपने गाड़ी? 25 लाख रुपए मैंने इसका रखा है, 25 लाख रुपए जो है गाड़ी की डिमांड है, 2015 का ये मॉडल है, इंशाल्लाह बदलूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन सारी चीज आप लोगों को बता दी, इसके अलावा भी कुछ चीज पूछना चाहे अंकल से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर मेरा नंबर ये है 0345 0345 214 214 88 88 22। तो ये अंकल का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाड़ी देख कहाँ सकते हैं अंकल ये? सरजानी 5C में, ठीक है, सरजानी 5C में जो है ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो मैंने बोला थोड़े पुराने मॉडल भी जो है वो ऐड कर लूँ, तो मरगला जो है वो हम लोग के पास मौजूद है, 97 का ये मॉडल है। तो जितने भी भाई थे हमारे जो बोल रहे थे पुराने थोड़े मॉडल्स की तरफ भी थोड़ा सा रुख करा करें, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें, साइडें वाइडें क्लियर हैं गाड़ी की, गाड़ी साफ़ सुथरी नज़र आई, तो मैंने बोला इसके मालूम करते हैं भाई। सो फ्रंट से देख लें गाड़ी आप लोग, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, रूफ़ वगैरह क्लियर है, फ्रंट से बिल्कुल क्लियर है गाड़ी। बाकी अगर मैं बात करूँ गाड़ी की साइडों की, सो यहाँ से आप लोग जो है वो चेकआउट करें, ड्राइविंग साइड आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ, यहाँ से पूरी गाड़ी जो है वो आप लोग एक नज़र यहाँ से देख लें, और कोई चीज़ समझ भी नहीं आया अगर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर नीचे कमेंट्स में आके मुझसे जो है वो पूछ लिया करें कि भाई इसका क्या सीन है गाड़ी का, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है वो बता दूँ कि क्या है गाड़ी का सीन। सो बैक साइड भी आप लोग जो है वो चेकआउट करें, इसकी गार्निश वगैरह जो है वो आप लोग देख लें सेंटर की, बाकी दोनों बैक लाइट्स वगैरह देखें गाड़ी की। रूफ़ वगैरह की बात करूँ तो रूफ़ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ गाड़ी की, सो यहाँ से आप गाड़ी की रूफ़ भी जो है वो चेकआउट कर लें। सो ये तो हो गई बॉडी की बात, ऊपर से मैंने आप लोगों को गाड़ी जो है वो दिखा दी। अब चलते हैं चल के गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिलता है। सो ये आ गए भाई इंटीरियर की तरफ, दरवाजे आप लोग जो है वो चेक करें गाड़ी के, तो यहाँ से साइड वगैरह देख लें, यहाँ पर रस्ट वगैरह आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी डोर पैनल्स की बात करें तो डोर पैनल्स आप लोगों के सामने हैं, पावर विंडोज़ वगैरह ये चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलती हैं। तो यही होता है कि यार देखो पुराना मॉडल है लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर मिल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादातर लोग जो है प्रेफर करते हैं कि अगर कम रेंज हो तो फिर ये इस गाड़ी की तरफ जो आ जाएँ, इसमें फंक्शन थोड़े आप लोगों को सही मिल जाते हैं यानी कि। बाकी इसके अलावा सीट्स वगैरह की बात की जाए गाड़ी की, तो सीट्स वगैरह भी जो है वो गाड़ी की आप लोग देख रहे हैं,
बाकी नीचे की साइड वगैरह देखना, मैट वैट डले हैं गाड़ी के अंदर, फुटपाथियाँ वगैरह गाड़ी की क्लियर साफ नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। बैक साइड आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी की, बैक साइड का डोर किस तरीके से है भाई। सो यहाँ से भी जो है वो आप लोग देख लें, सारी चीज़ें जो है वो चेक करें, नीचे की साइडें चेक करें, बाकी इसी तरीके से अंदर से भी गाड़ी को जो है वो देख लें। तो ओवरऑल यानी कि गाड़ी मैंने अंदर से भी आप लोगों को दिखा दिया। अब चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस तरीके से मिलती है। सो इंजन रूम के पास आ चुके हैं हम लोग, तो इंजन रूम भी आप लोगों को जो है वो दिखा दें। सो फ्रंट से ग्रिल वगैरह गाड़ी की चेक कर लें, दोनों लाइट्स वगैरह देख लें, गाड़ी सेंटर है। बाकी इसके अलावा बात की जाए गाड़ी के कुप्पों की, तो ड्राइविंग साइड का कुप्पा आप लोग यहाँ से जो है वो चेकआउट करें, और इसी तरीके से जो है वो गाड़ी का पैसेंजर साइड का कुप्पा भी आप लोग यहाँ से देख लें। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर और ढक्कन बंद। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं सादेन। सादेन की ये गाड़ी है सर, गाड़ी तो आपकी जो है वो दिखा दी गई है, 97 का ये मॉडल है, कैसी गाड़ी है सर? गाड़ी बेहतरीन है माशाल्लाह, इंजन सस्पेंशन हर चीज़ सोक है, हर चीज़ सोक है, यानी कि ना इंजन में काम है ना सस्पेंशन किसी चीज़ में कोई काम नहीं, एसी वगैरह वर्किंग में बेहतरीन ऑन है, चल ठीक है। सीएनजी है इसमें? नहीं है, सीएनजी नहीं है, पेट्रोल पे। ठीक है, टोटल पेट्रोल पे जो है गाड़ी, कितने ओनर है गाड़ी के? सेकंड ओनर गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो हर चीज़ क्लियर है ना? हर चीज़ से क्लियर है गाड़ी। ठीक है, बॉडी वाइज अगर हम बात करें गाड़ी, बॉडी वाइज गाड़ी आप तकरीबन बाहर से शावर ही समझे, ठीक है, थोड़े बहुत पीस ओरिजिनल है लेकिन आप शावर ही समझे, अंदर से गाड़ी फुल ओरिजिनल है, फुल ओरिजिनल है अंदर से। क्या पैसे रखे सर आपने गाड़ी के? इसकी 4.25 लाख रुपए डिमांड है, 4 लाख रुपए इसके फाइनल है। ठीक है, 4.25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं और 4 लाख रुपए तक फाइनल देने का मूड है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर किसी को कोई अच्छी ऑफर लगी इनको भाई को, या कुछ निगोशिएट वगैरह हुआ जो भी हो, जब आप कॉल करेंगे तो अच्छे से बात हो जाएगी आप लोगों की। अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा, 0314-0314-211-9056-9056 जी। तो ये जो है सादेन का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात ले सकते हैं। चलिए शुक्रिया। हैं होंडा लाइव 2007-2012 का मॉडल हम लोग के पास मौजूद है। तो ये गाड़ी भी जो है वो आप लोग चेकआउट करें, तो जो भी हमारे हजरत है जिन्होंने कमेंट किया था, बोला था कि गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, साइडें वाइडें जो है वो चेकआउट करें गाड़ी की। अच्छा, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने मुझे कमेंट करा था, लेकिन ये गाड़ी इतनी ज़्यादा जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आती, तो आज नज़र आई तो मैंने बोला चलो यार इसकी परमिशन वगैरह लेके देखते हैं, क्या पता हमें जो मिल जाए। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो बैक साइड वगैरह चेक कर लें, तो दोनों लाइट्स वगैरह देख लें गाड़ी की आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से आप लोग डिग्गी वगैरह, बम्पर्स वगैरह, और गाड़ी की रूफ़ की अगर बात करूँ तो यहाँ से करीब से दिखा दूँ, बिल्कुल क्लियर जो है वो साफ़ सुथरी कंडीशन में आप लोगों को मिल रही है। इसी तरीके से जो है वो गाड़ी की हम लोग जो है राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है, यानी कि ड्राइविंग साइड से। सो यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग चेकआउट करें, क्लियर है, कोई स्क्रैचेस डेंट्स वगैरह नहीं, हल्का फुल्का हो वो तो जाहिर सी बात है आप लोगों के सामने ही होता है, दिखाने का मकसद ही है वीडियो में। गाड़ी इंटीरियर वगैरह भी चेक करते हैं गाड़ी का, इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। सो ये आप लोग चेकआउट कर लें, दरवाजे वगैरह देखें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो देख लें, बाकी इसके अलावा बात की जाए नीचे की फुटपाथियों वगैरह की, फुटपाथियाँ वगैरह क्लियर हैं, ऊपर से डोर वगैरह जो है वो चेक कर लें। बाकी इंटीरियर की अगर बात की जाए तो उसका डैशबोर्ड वगैरह भी जो है वो आप लोग देखें, डैशबोर्ड वगैरह क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ से। बाकी सीट्स की अगर बात करूं तो सीट्स आफ्टर मार्केट जो है वो आप लोगों को सीट कवर्स मिल रहे हैं, रेक्जिन वाले जो होते हैं, साफ़ सुथरे इन्होंने जो है अंदर से कर रखा है गाड़ी को। बाकी अभी चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम भी देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलती है, तो ये आप लोग चेक करें। इंजन रूम की तरफ जो है हम लोग आ चुके हैं, तो इंजन रूम भी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें। इंजन रूम बेसिकली आप लोगों को दिखाना होता है कि भाई किस तरीके से है। बाकी यहाँ पर जो है इसका ये जंक्शन बोर्ड आ गया, यानी कि यहाँ पर सारे फ्यूज़ वगैरह होते हैं, ये आप लोगों को यहाँ से दिखेगा नहीं, कुप्पे वगैरह वैसे क्लियर ही होते हैं ज़्यादातर गाड़ियों के, लेकिन अली भाई से भी बातचीत करेंगे तो और मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। बाकी एली साइड भी देखना है, ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है और इंजन रूम भी यानी कि साफ़ सुथरा है। बस चलते हैं अभी इसके रेट वेट मालूम करते हैं क्या हिसाब किताब है। सो अभी दोबारा से हम लोग के साथ मौजूद हैं अब्दे अली भाई, जिनकी ये गाड़ी है सर, गाड़ी तो दिखा दी गई है, ये भी ठीक है, 7-12 का ये मॉडल है जी, क्या हिसाब है सर इस गाड़ी का? एसन भाई 2007 का मॉडल है, 12 की रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बाहर से बॉडी पूरी ओरिजिनल है, ठीक है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी ओरिजिनल है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और तकरीबन 1 लाख के आसपास ये गाड़ी चली हुई है, लेकिन इसका इंजन है ना अपडेट किया हुआ है, नया इंस्टॉल किया हुआ है, यही इसी का ही, और बुक पे अपडेट भी है वो, ठीक है, यानी कि इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है, लेकिन रिसेंटली आपने करा इसको, रिसेंटली इसको अपडेट किया हुआ है, सस्पेंशन, इंजन, एसी, हर चीज़ से गाड़ी ओके है। और पेपर्स वगैरह की बात, पेपर वगैरह की हमारी गारंटी भी होगी और हर चीज़ ओके है, और December 2022 तक टैक्स भी क्लियर है। क्या पैसा रखें सर आपने इस गाड़ी के? इसके डिमांड 12 लाख रुपये कर रहे हैं, लेकिन इस पर ऑफर चलेगी और जितना हो सकेगा मुनासिब हम आपको कर देंगे, ठीक है। तो भाई 12 लाख जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो मुनासिब हो सकेगा, जो अच्छी ऑफर आएगी उस पर जो है बातचीत कर लेंगे। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई को कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, आदि भाई नंबर शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 0332
3134250 और सेम व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है, व्हाट्सएप पे भी मैं एक्टिव होता हूँ। सो अली भाई को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। चलें शुक्रिया। कर चुके हैं 1998 GL इंडस करोला हम लोग के पास मौजूद है। तो हमारे इंडस करोला वाले जो भी भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था, तो ये गाड़ी जो है वो देख लीजिएगा, अलॉयस वगैरह गाड़ी के अंदर डले हुए हैं। बाकी गाड़ी जो है वो आप लोग चेकआउट करें, गाड़ी पूरी मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ, साइड वाइडें जो है वो चेकआउट करें गाड़ी की। तो इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड वगैरह भी मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रही है। तो यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग चेक करें, रूफ वगैरह गाड़ी की क्लियर है। बाकी अगर बात करें बैकलाइट्स वगैरह की, तो बैकलाइट्स वगैरह भी गाड़ी की जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है, साफ़ सुथरी जो है वो रखी हुई, यानी कि दोनों लाइट्स जो है वो क्लियर हैं, बम्पर्स वगैरह क्लियर हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाड़ी की पैसेंजर साइड की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की, सो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, लेफ्ट हैंड साइड से भी जो है वो गाड़ी आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी। चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर वगैरह चेकआउट करें कि इंटीरियर से भाई ने जो है वो गाड़ी किस तरीके से रखी हुई है। सो ये आ गए भाई हम लोग गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ से भी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें, दरवाजे वगैरह गाड़ी के जो है वो देख लें। तो दरवाजे क्लियर हैं, नीचे की साइडों पर कोई रस्ट वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बाकी डोर पैनल वगैरह भी साफ़ सुथरे रखे हुए इन्होंने। और इसी तरीके से अंदर आ जाते हैं तो डैशबोर्ड वगैरह भी जो है वो गाड़ी का आप लोग चेकआउट कर लें। और यहाँ पर चल रही है भाई मूवी वगैरह कोई लगा के बैठे हुए हैं, फुल टाइम पास चलता है, बीच खा रहे हैं। और ये आप लोग चेक करें सीटें आफ्टर मार्केट जो है, सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। बाकी नीचे रबर मैट्स वगैरह डले हुए गाड़ी में। चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो आप इंजन रूम देखते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो उन्होंने किस तरीके से रखी है। सो ये आ गए भाई हम इंजन रूम की तरफ, यहीं से गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोग को जो है वो दिखा देते हैं। सो ये आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें, फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो गाड़ी की देख लें। और इसी तरीके से जो है वो पहले आप लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का कुप्पा देख लें, और इसी तरीके से जो है वो गाड़ी के राइट हैंड साइड का कुप्पा भी आप लोग एक नज़र देख लें। तो बस दिखाने का यही मकसद है कि भाई ये आप लोग देख लो किस तरीके से जो रूम की कंडीशन वगैरह है, इसमें कोई रस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, प्लस ड्राई बैटरी वगैरह भी गाड़ी के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। चलते हैं अब जो गाड़ी के ऑनर, उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई उन्होंने क्या गाड़ी की डिमांड रखी है और गाड़ी कितने की जो है वो दे रहे हैं। सो अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई आपकी गाड़ी दिखा दी गई है, 97 का ये मॉडल है, 98 का ये मॉडल है। कैसी गाड़ी है सर ये? एसएल भाई ये जो इंडस के वो होते हैं ना लवर्स, बिल्कुल तोहफा ही है क्योंकि अच्छा। ये पूरी ओरिजिनल है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, गाड़ी ओरिजिनल है और 9,50,000 रुपए इसकी डिमांड है। 9,50 डिमांड है पूरी गाड़ी जेन्युइन है, बाकी इंजन सस्पेंशन एवरीथिंग 100% ओके, हर चीज चलने में बिल्कुल स्मूथ चली है गाड़ी। इसमें सिर्फ अगर ये है कि ओरिजिनल है तो उस वजह से कुछ पीस फेड हो रहे होंगे, लेकिन ये है ओरिजिनल पे है, अगर जो लेना चाहे वो लेके फिर अपना वो करवा सकता है, तो नया बना जाएगा। नहीं वैसे भी इतना ज्यादा नहीं है फेडिंग, अगर थोड़ा बहुत चलाना चाहे आप लोग तो रिबन वगैरह करवा के चला सकते हैं, लेकिन शावर करवाना चाहे वो आपकी जो है मर्जी है, लेकिन अभी फिलहाल फुल ओरिजिनल। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन की हमारी गारंटी होगी 100% डॉक्यूमेंट, December 2022 तक टैक्स क्लियर है, ठीक है। एसी वेसी हर चीज चलता है, एसी हर चीज से गाड़ी ओके, ठीक है सर। सो तो ये थी तकरीबन डिटेल्स गाड़ी की, इसके अलावा भी कोई चीज़ भूल गए हो अगर हम पूछना तो भाई को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर ले, व्हाट्सएप कर ले, हमेशा एक्टिव होता है। कांटेक्ट नंबर 0332 3134 3425 0250। तो ये जो है अली भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सर भाई। तो जी दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं चंगन कारवां वाले, हमारे लोग जो जितने भी भाई थे चंगन कारवां, और उनके लिए जो है वो गाड़ी आ चुकी है, 2021 का ये मॉडल है। तो जितने भी आजाद थे जिन्होंने बोला था कि भाई हमारी फैमिली बड़ी है और बड़ी गाड़ी है तो आप दिखा नहीं रहे हो, तो भाई देख लो चेकआउट कर लो, आप लोगों ने बड़ी गाड़ी जो है वो ले आया हूँ। और गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं है भाई, फुल अच्छी सी जो है मेंटेन हुई है, फ्रंट पे गार्ड चार्ट लगा हुआ है, एलईडी बार वगैरह लगा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। बाकी भाई ने बोल दिया भाई गाड़ी है रेडी टू मूव, यानी कि लो और निकल जाओ भाई बिल्कुल। तो गाड़ी आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो, साइडें वाइडें जो है वो देख लो, फ्रंट साइड से तो गाड़ी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाई दी है, नॉर्मली व्हील कैप वगैरह लगे हुए, लेकिन वो भी बड़े कंट्रास्ट से डाले हुए इन्होंने, लगे हुए अच्छे लग रहे हैं गाड़ी के ऊपर। बाकी मैं आप लोगों को जो है वो चलता हूँ, जरा गाड़ी का लुक शुक दिखाता हूँ भाई, यहाँ से आप लोग साइडें वाइडें चेक करो। सो भाई अभी हम लोग को गाने तो थोड़े जो है बंद करने पड़ेंगे वीडियो बनाते टाइम, तो बैक साइड पर हम लोग आ चुके हैं, बैक साइड से भी आप लोग जो है वो चेकआउट करो, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की क्लियर है, इसी तरीके से बैक साइड पे भी गार्ड वगैरह लगा हुआ है सारी जो है वो आप लोग डिग्गी शिग्गी चेक कर लो, यहाँ से पूरा जो है वो क्लियर आप लोग को नजर आ रहा होगा। अच्छा रूफ की अगर बात करूँ तो रूफ भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख लो गाड़ी की क्लियर, 2021 मॉडल है तो गाड़ी जो है तकरीबन क्लियर ही होगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि भाई अपनी तरफ से अच्छे से आप लोगों को जो है दिखा दूँ, जो ऑनर है जब उनसे बातचीत करूँ तो और सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो ले लूँ। तो कैपेसिटी आप लोग जो है वो चेक करो, 2 और 3 5 6 7 8 बंदे बिठा दो भाई और निकल जाओ, पीछे साउंड वाउंड सिस्टम पूरा हैवी सा जो है वो डाल रखा है गाड़ी के अंदर, बाकी डुअल एसी भाई मजे ले रहे हैं एसी के यहाँ बैठे हुए पीछे। सर मजा आ रहा है आपको? चिल हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, नहीं हो रहा गार्डन? ओ तेरी खैर, सही हो गया ये तो। चलिए जी इधर आ चुके हैं भाई, हाथ से रेसे देते हुए यहाँ से हाथ निकाल के भाई आवाज़ें वगैरह सुनने की कोशिश कर रहे हैं हेडफोन लगा के। सो यहाँ से भी जो है वो आप लोग देख लें गाड़ी, आप लोग स्टार्ट सुन जो है वो पता चल रहा होगा गाड़ी का। बाकी अगर इसके अलावा मैं बात करूँ गाड़ी के डैशबोर्ड की,
तो यहाँ पर जो है वो एंड्रॉइड पैनल गाड़ी के अंदर लगा हुआ मिल रहा है और आप लोग को डुअल फैन भी जो है वो सामने रखा हुआ नजर आ रहा होगा। बाकी ओवरऑल अंदर से भी गाड़ी जो है बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में इन्होंने रखी हुई है। मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है। बाकी यहाँ से भी जो है वो एक नज़र आप लोग देख लें। गाड़ी तो मैंने तकरीबन आप लोगों को जो है वो गाड़ी चेक करवा दी है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं भाई, उनसे चल के बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ कितनी चली हुई ताकि पता चल जाए। तो 33 समथिंग जो है ये चली हुई गाड़ी। बाकी मीटर वगैरह भी इसका काफ़ी अच्छा सा है। इंटीरियर तो भाई हमने पूरा जो है बना दिया है। बाकी आप लोग यहाँ से भी जो है वो देख लो, थोड़ी नीचे वाली साइडें वाइडें देख लो, कब्जों वाली यहाँ से जगह जो होती हैं इसकी मेन जहाँ रस्ट वगैरह लगता है, तो ये भी जो है वो क्लियर आप लोगों को नजर आ रही होंगी। बस अब भाई से बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं भाई क्या रेट वगैरह रखे उन्होंने गाड़ी के। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं उसामा भाई। उसामा भाई की गाड़ी तो जो है वो दिखा दी गई है। उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप ठीक है, फिट फाट है, शुक्र सर। गाड़ी लाए हैं आज आप 2021 की जंगल कारवां, कैसी गाड़ी है सर ये? अल्लाह करम भाई, बेहतरीन गाड़ी है। लें और चलाएं, लें और पाकिस्तान टूर पे निकल जाएं। नहीं करें सर, आपने कितने टूर मारे सबसे पहले तो ये बताएं। मेरे 4 टूर हो गए। 4 टूर हो गए, जबरदस्त भाई। तो देख लें भाई, फुल मेंटेन रखी हुई गाड़ी, साउंड सिस्टम, अंदर इंटीरियर वगैरह आप देखें, बार लाइट, हर चीज, किसी चीज की जरूरत नहीं है गाड़ी की। मेरा अपना नाम है गाड़ी, बस लें और आई वाला जो बंदा होता है ना जो बोलता है कि भाई गाड़ी ले लूं मुझे कुछ करवाना ना पड़े, उसके लिए उसके लिए बिल्कुल बेहतर। ठीक है, 33 समथिंग जो ये गाड़ी चली हुई है, बाकी पूरी जेन्युइन है ये गाड़ी, बिल्कुल पूरी बम्पर टू, कोई पीस इसका टचअप वगैरह नहीं है। टचअप नहीं है। क्या पैसे रखे सर आपने गाड़ी के? 19 लाख। 19 लाख रुपए। ऑनर कितने गाड़ी के? थर्ड ओनर हूं मैं, थर्ड ओनर नाम पे गाड़ी है। तो 19 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड है, थर्ड ओनर गाड़ी है, 2021 का मॉडल है, गाड़ी आप लोगों ने देख ली है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपना कांटेक्ट नंबर बताइएगा। 0315 0315 22 22 33 112 112। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मजीद मालूम ले सकते हो। और कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? शाह फैसल कॉलोनी। तो भाई शाह फैसल कॉलोनी में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। ये गाड़ी देखने से पहले भाई रख लीजिए अपने दिल पे हाथ, क्योंकि ये गाड़ी भाई हम लोग आपके लिए ले तो आए हैं, लेकिन अभी रेट जब मैंने सुने मैंने बोला चलो यार फिर भी आप लोगों को दिखाई दें। तो जो भी दिल के मरीज हैं थोड़ा सा वो थाम लीजिएगा अपने दिल और गाड़ी जो है वो चेकआउट करें। गाड़ी नो डाउट बहुत साफ सुथरी कंडीशन में जो इन्होंने रखी हुई है। अलॉयस वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डाले हुए हैं, तो एफएक्स के जितने भी दीवान हैं ये गाड़ी जरा जो है वो देखना है। बाकी ये के जो ऑनर है जब उनसे बातचीत करेंगे तो अच्छे से जो है वो सारी चीजें पूछेंगे। गाड़ी जो है वो आप लोग साइड वाइड देख लो, फ्रंट साइड देख लो, रूफ वगैरह देख लो, इसी तरीके से चल के गाड़ी की जो है वो बैक साइड वगैरह भी जरा जो है वो चेकआउट वगैरह कर लें। और ये चेक करें भाई, शीशे भी फुल ऑल्ट्रेशन में जो है इन्होंने डाल रखे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं भाई हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे, तो वो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देखें, दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की चेकआउट कर लें। इसी तरीके से बैक का जो शीशा वीशा होता है, ये वाली साइड वाइडें होती हैं, पूरा जो है इन्होंने अच्छे से जो है बनाया हुआ है। गाड़ी में पॉलीगेट है लेकिन कम है। बाकी ये कि मैं अंदर से भी आप लोग को गाड़ी जो है वो चेकआउट करवाऊँ, तो दरवाजे वगैरह चेक करो, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की चेक कर लो आप लोग। तो अंकल बोल रहे थे भाई अच्छी गाड़ी आप लोग को मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन हमने बोला चलो यार देखते हैं। फुल मोमो वाला स्टेयरिंग जो है इन्होंने लगाया हुआ, महंगा वाला जो ड्रिफ्टिंग कार्स में जो लगा होता है स्टेयरिंग, वो इसके अंदर लगा हुआ आप लोगों को मिल रहा है। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन, आफ्टर मार्केट सीट कवर्स और सीट्स जो है वो अच्छी सी बनी हुई है। बैक साइड आप लोगों को दिखा देते हैं, दरवाज़ा लॉक है पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग चेकआउट कर लें। जाली साइड भी मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ दरवाज़ों की। बाकी इसी तरीके से बैक साइड की सीट्स वगैरह भी जो है वो आप लोग देख लें। तो टाइम अभी काफ़ी कम बचा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग को अच्छे से जो है वो दिखा दूँ। इंजन रूम वगैरह भी चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी का भाई, इंजन रूम वगैरह किस तरीके से जो है मौजूद है। सो ये आप लोग जो है वो चेकआउट करो, फ्रंट की जो है पट्टी वगैरह इसकी देख लो। बाकी इसके अलावा साइडों से कुप्पे उप्पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो अपने पुराने मॉडल्स में देखेंगे ना, ज़्यादातर आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो देखी होंगी, ज़्यादा गली भी होती हैं, तो इसकी ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी साफ सुथरी सी जो है वो रखी हुई है, पेंट वगैरह करवा के अच्छा सा मेंटेन रखा हुआ है गाड़ी को। बाकी पट्टी कलर है, बस आप बेफिक्र हो जाए सर, आपकी तरफ ही आ रहे हैं अभी हम। सो गाड़ी तो आप लोगों को दिखा दी, अब चलते हैं जो गाड़ी का ऑनर है उनसे बातचीत कर लेते हैं और मालूम करते हैं गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। हाँ तो जी, हम पहुंच चुके हैं भाई इस खूबसूरत गाड़ी के ऑनर के पास। सर आपकी गाड़ी तो माशाल्लाह, क्या कहना है गाड़ी के? बाकी आप सर बताएं गाड़ी की थोड़ी डिटेल विटेल दें हमें, क्या क्या आपने खर्चा कर रखा है। पूरी ओरिजिनल है सर, बॉडी ओरिजिनल है। अच्छा, अंदर से ओरिजिनल है, ऊपर से भट्टी कलर है। भट्टी कलर है, ठीक है जी। बाकी चलने में कैसी है? फर्स्ट क्लास चलने में A1 गाड़ी है, और सीटें बनी हुई है, ये सारा कुछ है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आपने जो पूरा काम करवाया, आपने सीटें बनवाई हुई है, इसके अंदर अलार्म डाला है, ऊपर से भट्टी कलर करवाया है, खर्चा आपने अच्छा करा। ताकि मैं एक ऐसा बनाने में कितना खर्चा आता है? 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख रुपए इस तरीके से गाड़ी जो है बनाने में। अच्छा, तो भाई कलर के 30,000 रुपए लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इतने ही होते हैं। तो आप थोड़ा सा दिल थाम लीजिए, अब आप लोगों को इस गाड़ी के मैं रेट बताने वाला हूँ। तो अंकल जोरदार झटका आप खुद दे दीजिए, 4.25 लाख रुपए और फाइनल जो है ना 4-15 हो जाएंगे। तो भाई 4.25 लाख रुपए बोल रहे हैं गाड़ी के, 4-15 हो जाएंगे। तो जिन भाई को भी गाड़ी पसंद आए, कमी पेशी क्या पता और ज्यादा इसके अंदर हो जाए, तो कॉल करके देख लीजिएगा। मोहब्बत वाली एक नंबर लिख ले, नंबर बताया सर, 0333-0333-23-23-09-718
तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। चलें अंकल, शुक्रिया बहुत बहुत, फिर मुलाकात होती है कभी। अल्लाह हाफिज़।